डाइजेस्टिव सिस्टम कद्दूती सीट तक बढ़ाएंगे, या सीधे कह लीजिए लार के विषय में आज चर्चा होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में कल चर्चा हुई थी कि जो पाचन तंत्र होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है और पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण भाग जो है भूमिका निभाते हैं, उन्हीं का हम क्रम से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते जाएंगे और अपलोड करते जाएंगे। तो कल हम आपको पढ़ाए थे तीन, यानी कल जो वीडियो अपलोड हुआ था वो तीन था, यानी दांतों के विषय में चर्चा हुई थी कल, दांत कितने प्रकार के होते हैं और इनका कार्य क्या होता है संरचना के आधार पर सब कुछ कल बता दिया गया था। दांत के विषय में पूरी डिटेल्स लगभग संक्षिप्त रूप दांतों के विषय में प्रस्तुत किया गया था। आज उसी क्रम में डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आगे बढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र था उसी के नेक्स्ट भाग के विषय में आज आपको बताएंगे। कल फर्स्ट भाग हो गया था, दांत हो गए थे यानी टीथ हो गया था, और आज दूसरा है लार। देखिए तीन बात, लार से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। जितने भी लगभग स्तनधारी हैं, जैसे ठीक है ब्लू होल कोई कुछ नोट करके, लगभग सभी में लार का श्रवण होता है। और लार हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लार की वजह से ही भोजन का पाचन हमसे शुरू हो जाता है। लार में कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन के साथ अंदर प्रवेश किए गए जीवाणु होते हैं या चले जाते हैं भोजन के साथ, उनको नष्ट करने का भी कार्य, अर्थात जो लार होती है जीवाणु नाशक होती है, जीवाणु रोधी होती है। जीवाणु बुद्धि का भी कार्य करते हैं, जीवाणु बुद्धि इसमें यौगिक पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से तो आप आइए सबसे पहले देखिए हमारे शरीर में लार किस प्रकार की होती है और कितनी मात्रा में इसका दैनिक श्रवण होता है और कितना इसमें पानी पाया जाता है, जल होता है, और कितने प्रतिशत इसमें अनियोगिक और इंजन। देखिए जो मनुष्य है, मनुष्य के मुंह में प्रतिदिन जो लार का श्रवण है वो लगभग 1 लीटर होता है, 1 लीटर प्रतिदिन। लार लगभग 1 लीटर प्रतिदिन श्रावित करती है, यानी लार लगभग 1 लीटर प्रतिदिन श्रावित होती है। मनुष्यों में लार लगभग 1 लीटर प्रतिदिन श्रावित दिया होगा, ये अपवाद चलता रहता है। बायोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा अपवाद मिले, कहीं पर एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम की लंबाई 8 मीटर दी हुई, कहीं पर 10 मीटर दी हुई, तो कहीं पर कुछ दिया होगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है लगभग 1 लीटर, कहीं पर आपको 1/2 लीटर भी मिलेगा, कहीं पर 1.5 लीटर भी मिलती है, और कहीं पर 1 लीटर जो है लिखा हुआ मिलेगा दैनिक श्रवण। कारण ये होता है कि जब पेट सो रहा होता है उस समय
अगर देखा जाए तो लार का जो सिग्नेशन है श्रावण है वो लगभग शून्य हो जाता है, लगभग बिल्कुल श्रावण नहीं है। उसी पेश को लेकर के लगभग अनुमानित वैज्ञानिकों ने लिख दिया है कि एक यानी दैनिक श्रावण जो होता है वो लगभग 1 लीटर प्रतिदिन होता है। जो लार होती है इस लार में जल पाया 98% लार में जल पाया था, शेष जो 2% बचा उसमें यौगिक और एंजाइम्स पाए जाते हैं। जीवाणु रूप यौगिक होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं और कभी कभी जो है हार्मोन्स भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि हार्मोन्स भी इसमें पाए जाते हैं। ये कंडीशन लार में लगभग 98% पानी पाया जल होता है, जल उपस्थित होता है, शेष 2% आपके जीवाणु रोधी यौगिक तथा इंजाइम्स उपस्थित होते हैं। इंजाइम्स उपस्थित होते हैं, इंजाइम्स के कार्य भी बहुत ही विशेष होते हैं। यदि देह के अंदर सही ढंग से लार का श्रावण नहीं हो रहा है, कम मात्रा में सिग्रेट हो रहे हैं, तो जो पाचन क्रिया है वो सही से नहीं हो पाती, यानी पाचन सही से नहीं हो पाती। आपको पहले बता चुके लार एक तो जीवाणु ही होती है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। दूसरी बात, लार में जो पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे एमआईएच जो शर्करा का पाचन करता है, हिमालयन इंजाइम जो होता है शर्करा का पाचन करता है, लाइपेज है जो वसा का पाचन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करते समय बहुत ही ढंग से उसको चबाना चाहिए और काफी देर तक मुंह में रोकना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसमें लार विकसित हो सके और जो वसा है वसा तथा शर्करा स्टार्च आदि का पाचन, क्योंकि जो लार होती है लार में स्टार्च और वसा यानी कार्बोहाइड्रेट इत्यादि का पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जब काफी समय तक हम भोजन को मुख में रोकते हैं तो लार भोजन में भली भांति मिक्स हो जाती है, जिसके द्वारा भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। जो लार टॉपिक आपका चल रहा है इसमें हमने आपको बता दिया है एमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज इंजाइम होता है, ठीक है, टॉयलिन इंजाइम होता है, बहुत से इंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें हमने आपको बता दिया है क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और ये मुख्यतः चिकना लसलसा झागदार पदार्थ। अगर कोई पूंछ ला रहा है सेवा क्या है तो इसमें आपको एक लाइन में लिख दीजिए चिपचिपा
चिकना पानी सदृश पानी जैसा तथा झागदार पदार्थ। झागदार पदार्थ है जो मुख के निचले जबड़े की सतह पर श्लेष्मी ग्रंथियों द्वारा यानी लार ग्रंथियां जो पाई जाती हैं उन लार ग्रंथियों के द्वारा श्रावित होता है। लार ग्रंथियों के द्वारा श्रावित होता है, ये इसकी परिभाषा आपसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लार किसे कहते हैं? लार एक विशेष प्रकार का चिकना एवं पानी सदृश तथा झागदार पदार्थ होता है जो मुख के निचले जबड़े में श्लेष्मी ग्रंथियों द्वारा श्रावित होकर के भरा होता है या पाया जाता है या वहां पर स्टोर होता है, यानी स्टोर किया नहीं जा सकता, यानी जितना भोजन को चबाएंगे श्लेष्मी ग्रंथियों के द्वारा उतनी लार श्रावित होती रहती है। और ये झागदार मुंह में कभी कभी जो है हम काफी देर तक जब मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, कुछ भी करते हैं या ऐसे घुमाते हैं जीभ को तो मुंह से झाग निकलती है, फेना निकलता है, ठीक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये झागदार। अब आगे देख लीजिएगा फंक्शन ऑफ स्लीवा यानी लार के कार्य। लार एक तो हमारे शरीर में दांतों की सफाई करने का प्रमुख कार्य करती है, दूसरा अभी आपको बताए थे जीवाणुनाशक के रूप में कार्य करती है, तीसरा कार्य भोज पदार्थों के भोज पदार्थों को निगलने में सहायक होती है, नंबर एक नहीं दे रहे हैं दांतों की सफाई में, और क्या होती है भोजन को निगलने में सुगमता प्रदान करती है। भोजन की लुगदी बनाती है जिसके द्वारा जो है हम भोजन को सरलता पूर्वक निगल सकते हैं। और क्या होता है ये दोनों जबड़ों के मध्य नम स्थान बनाए रखती है या जीभ को नम बनाए रखती है लार, जिसके द्वारा हम सरलता पूर्वक अपनी जीभ को इधर उधर घुमा सकते हैं या जीभ सूखने से बचे रह सकते हैं, यानी सीधे कह लीजिए बोलने में सहायक होती है। लार नहीं सिक्रीट होती होगी तो जीभ सूख जाएगी, जब जीभ सूख जाएगी तो इसकी जो पेशियां होंगी वो सूख जाएंगी, जब पेशियां सूख जाएंगी तो जीभ में जो है व्यसन नहीं होगा, मूव नहीं कर पाएगी, घूम नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हम बोल भी नहीं सकते। तो दांतों की सफाई करने में, भोजन की लुगदी बनाने में, ठीक है, और भोजन को सरलतापूर्वक निगलने में ये जीव जो है लार के कारण। इसमें क्या क्या मिला होता है, कितने परसेंट होता है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। लार क्यों आवश्यक होती है, दैनिक श्रावण कितना होता है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, कौन से एंजाइम किसका पाचन करते हैं, एक बार पुनः इस चीज को रिवाइज कर दे रहे हैं। जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये जो है स्टार्च का पाचन करता है, सीधे कह लीजिए, और दूसरा जो लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है, इस प्रकार से बहुत से एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी लार में जीवाणुनाशक यौगिक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आगे लिख सकते हैं घाव साफ करने में, ये भी लिख लीजिए घाव को साफ करने में, घावों को साफ करने में लार का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखा हुआ कुत्ते इत्यादि जो है अपने घाव को चाट चाट करके सही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो लार होती है उसमें जो जीवाणुरोधी एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो बैक्टीरिया वायरस उस लार के वहां पर पहुंचने से नष्ट हो जाता है और घाव जल्दी ही
जो है ठीक हो जाता है, जल्दी भर आता है। तो इस प्रकार से आप ये भी लिख सकते हैं घाव को साफ करने में, घाव जब साफ रहेगा वहां पर बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तभी घाव आपका जल्दी भरेगा या जल्दी साफ जो है ठीक होगा घाव को साफ करने में। ये कई कार्य यानी जो लार है इसके बहुत से कार्य हैं, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत से इसके कार्य मिलते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको लार के विषय में भलीभांति समझाने का प्रयास किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लार ग्रंथियों के विषय में चर्चा करेंगे कि मुख के अंदर जो लार लगभग दैनिक रूप से या दैनिक ढंग से कह लीजिए दैनिक श्रावण जो है लार का, प्रतिदिन जो लार श्रावित होती है वो 1 लीटर श्रावित होती है, तो ये 1 लीटर लार किन किन ग्रंथियों से श्रावित होती है और ये कितने प्रकार की होती है। धन्यवाद। अगले